छोटा और बड़ा क्या होता है सुधांशु जी? अपराध छोटा और बड़ा क्या होता है? जवाब दो। और फिर आपने रुकिए, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। लेकिन चार किसानों पर एक थार जीप चल गई जो खुद मंत्री जी की है, इससे कैसे इनकार कर सकती हैं? लखीमपुर का मुद्दा इस समय सुर्खियों में है। मीडिया में इस मुद्दे पर डिबेट भी देखने को मिली। इन डिबेट्स में विपक्षी तो भाजपा के प्रवक्ता को फटकार लगा ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ही मीडिया एंकर भी भाजपा प्रवक्ता को टोकते नजर आए। आज तक पर लखीमपुर की घटना पर हुई डिबेट में भाजपा प्रवक्ता ने घटना पर कुछ टिप्पणी की, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाजपा नेता को डिबेट में ही फटकार लगा दी। कि किसी ने कह दिया कि योजना बनी थी और षड्यंत्र किया गया, तो वो बगैर विवेचना के आरोप मात्र से ये नहीं माना जा सकता कि विवेचना हुई थी। गौरवल जी, सुधांशु जी, पहले मैं आपके एक शब्द से मेरे को बेहद आहत हुआ। मुझे नहीं लगता कि आपने जानबूझकर बोला होगा। आपने कहा छोटा अपराध, अपराध छोटे और बड़े भी करने लग गए सुधांशु जी। मैं तो आपको अच्छा व्यक्ति मानता था। आप 8 लोगों के लेकिन नृशंस हत्या हो गई, उनको आप छोटा अपराध बोलते हो? छोटा और बड़ा क्या होता है सुधांशु जी? अपराध छोटा और बड़ा क्या होता है? या तो आप अभी टेलीविजन पे उस शब्द के लिए माफी मांगिए, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। जवाब दो। और फिर आपने सुधांशु जी रुकिए, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। 8 महीने 15 दिन हो गए आपने बातचीत को खत्म किए हुए। क्या प्रयास किया? वो आपको चिट्ठियां लिख रहे हैं, आप उनसे बातचीत करना नहीं चाहते, और यहाँ टीवी पर आके छोटे और बड़े अपराध का आत्मज्ञान दे रहे हो हमको, देश को। न्यूज नेशन के डिबेट में एंकर ने लखीमपुर की घटना पर भाजपा के प्रवक्ता से सवाल किया। जब वह बात गोल गोल घुमाने लगी तो एंकर ने ही सही से जवाब देने को कहा। लेकिन क्या मंत्री पद पर बने रहने का, गृह राज्य मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार अजय मिश्रा जी के पास है? दीपक जी, नैतिकता के आधार पे पद को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, इसका निर्णय तो स्वयं अजय जी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी, परंतु मुझको ये पता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। अगर कोई ये कहे कि यूनियन में बैठा हुआ कोई भी मंत्री वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेयर कर सकता है, तो फिर तो हम राजस्थान में भी कर लेते हैं, पंजाब में भी कर लें, छत्तीसगढ़ में भी कर लें। लेकिन ऐसा होते ऐसा होने के बावजूद भी कार तो चढ़ गई ना अनिला जी, इससे आप कहां से इनकार करेंगे? ऐसा होने के बावजूद मैं मानता हूँ कानून के प्रति सम्मान भी होना चाहिए, कानून का भय भी होना चाहिए, लेकिन चार किसानों पर एक थार जीप चढ़ गई जो खुद मंत्री जी की है, इससे कैसे इनकार कर सकती हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं इनकार कर रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ 4 नहीं 8 लोगों की मृत्यु हुई है, और ये घटना थी कि दुर्घटना थी। न्यूज 18 पर लखीमपुर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता प्रेम शुक्ला से सवाल किया। अपने जवाब में नेता कांग्रेस पार्टी पर गलत टिप्पणी करने लगे, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्लास लगा दी। लोग 6 दिन की बात कौन लोग कर रहे हैं? 1984 से 2014 तक 10,000 निर्दोष सिखों की नृशंस हत्या जिसके कार्यकाल में, जिस नर पिशाच राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई, और 30 वर्षों तक FIR नहीं दर्ज हुआ, बल्कि कमलनाथ, HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाटर जैसे नर पशुओं को जिन्होंने मंत्री बनाया, ऐसे नर प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी 10,000 प्रेम शुक्ला जी मामले में कहा आपके पूरे भाजपा के लोग हैं। अजय जी जस्ट कूल डाउन कर रहे हैं भाई। प्रेम शुक्ला जी इंडिया टीवी पर हुई डिबेट में एंकर ने लखीमपुर पर ही सवाल भाजपा प्रवक्ता से किया। जब वह कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने लगे तो एंकर ने उन्हें टोका और इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा। एक सवाल, 302 का मुकदमा दर्ज है आशीष मिश्रा के ऊपर, क्यों नहीं है गिरफ्तार? सौरभ जी, सर्वप्रथम देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वो सर्वोपरि होगा। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में ऐसा जंगल राज भी सपा के समय रहा है कि FIR भी दर्ज नहीं होती थी। जैसे गायत्री प्रजापति मंत्री थे, एक बालिका ने बलात्कार की शिकायत करी, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, तब FIR हुई। यहाँ पे त्वरित FIR हुई के बाद भी क्या कोई कह सकता है कि दबाव बन रहा है? नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए, हर व्यक्ति करता भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ही तो पूछ रहा है कि हत्या के आरोपी को नोटिस कब से दिया जाने लगा, और पहले नोटिस का तो उन्होंने सम्मान भी नहीं किया। बड़े मौके पर तबियत खराब हो जाती है।
सौरभ जी देखिए, किसी की तबीयत खराब हो या ना हो, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।